नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल IGT इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, फंगस का नाम तो आप सभी लोग इस समय रोज न्यूज में और अखबारों में पढ़ और देख रहे होंगे, पर कभी ये सोचा है कि अगर ये हमारे अंदर पेट में चला जाए खाते वक्त तो क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्योंकि कई बार कई व्यक्ति इसको खा लेते हैं अनजाने में, और दोस्तों कहीं ना कहीं हम सभी ने खाया होगा, क्योंकि जो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा उसके बाद आप सभी लोग समझ जाएंगे कि मैंने वो क्या चीज़ खाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच ही भारत में ब्लैक फंगस बीमारी भी तेज़ी से फैलने लगी है। शुरुआत में ही इलाज ना मिलने पर संक्रमितों के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। ये रोग अकेला नहीं है, बल्कि जगह जगह से वाइट फंगस के मामले भी अब जोरों से सुनाई देने लग गए हैं। हाल ही में येलो फंगस टर्म भी सामने आई है। इसके साथ ही लोगों में फंगस को लेकर काफ़ी खौफ पैदा हो चुका है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर ही कई तरह के फंगस की प्रजातियों को काफ़ी शौक से खा भी लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंगस होता क्या है। फंगस दोस्तों जितना खतरनाक है उतना ही फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले फंगस यानी फफूंद को समझना जरूरी है, ताकि हम चुन सकें कि कौन सा फंगस खाने में सुरक्षित है और कौन सा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो। आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में फफूंद की ढेरों प्रजातियाँ हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ पानी में भी पनपती हैं। हालांकि दूसरे पौधों से इनमें ये अंतर है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बता दें कि ये क्लोरोफिल सभी तरह की वनस्पतियों में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लोरोफिल क्या चीज़ है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है, या सूरज के किरणों को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का काम करता है, या सूरज के प्रकाश को फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के द्वारा पौधों को अपना भोजन तैयार कराने में मदद करता है। पौधों का उनका हरा रंग क्लोरोफिल के द्वारा ही मिलता है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिए। क्लोरोफिल का उपयोग कभी कदार मेडिकल उद्देश्यों में भी किया जाता है। इसी के साथ कुछ ऐसे फंगस हैं जो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं और कुछ खाने के काम भी आते हैं। दोस्तों, अगर मशरूम के बारे में बात करें तो मशरूम भी एक प्रकार का फंगस होता है, इसीलिए लगभग इसकी 10,000 किस्में होती हैं। इनमें से कुछ ही मशरूम हमारे लिए खाने लायक होते हैं, और ये मशरूम काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ केटुंगी के मुताबिक आयस्टर और सिदेक जैसे मशरूम हमारे इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। वहीं बात करें अगर हम जंगली मशरूम की, तो वह काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। केवल अमेरिका में ही इसकी 100 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये बेहद ही मनुष्य के लिए घातक साबित होती हैं। इसीलिए सुरक्षित यही है कि हम जिसको अच्छे से पहचानते हैं वही मशरूम खाते हैं और उसी को खाना चाहिए। वैसे कई बार बच्चे और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को सुरक्षित मशरूम खाने से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए कोशिश यही करें कि इन लोगों को मशरूम ना परोसें। इसी के साथ बेकिंग और अल्कोहल बनाने के अलावा रसोई में जमकर इस्तेमाल होने वाला खमीर इसी प्रजाति का है। अब कुछ लोग खमीर सोचेंगे क्या चीज़ है, तो बताना चाहेंगे कि पिज्जा, पाव, जलेबी, नॉन और ब्रेड इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। बेकर्स खमीर का प्रयोग मुख्यतः ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। कई बार आप सभी लोग जब दुकान पर जाते होंगे तो कुछ ब्रेड ऐसी देखते होंगे जिन पर फफूंद लगी होती है, लेकिन हम कई बार ये भी देखते हैं कि जिन पर फफूंद नहीं लगी होती है उसको सोचते हैं कि ये काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जिस पर पहले से ही इतना सब कुछ इस्तेमाल करके बनाया गया हो वो आखिरकार कैसे अच्छा हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बहुत से लोग फफूंद को खा लेते हैं, लेकिन कैसे, उसका भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने जाने अनजाने में फफूंदी को खाया जरूर होगा। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि फफूंदी को भी फंगस से ही जोड़ा जाता है। ये इसी की एक प्रजाति होती है। गलती से अगर हम इसका सेवन कर ले तो बेहद ही बीमार हो सकते हैं, और संक्रमित को डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।
ये फफूंदी बचे हुए और नमी युक्त या फिर अधपके खाने पर उगने लगती हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई या फिर चीज या फिर रोटी। साथ ही इनमें खतरनाक बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। कई बार लोग फफूंदी वाली परत हटाकर किसी चीज को खाने लायक मान लेते हैं, जैसे कि रोटी हो गई। कई बार लोगों को देखा जाता है कि ऊपरी परत को वो हटा देते हैं और रोटी को खाने लायक बना लेते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दरअसल आप सभी को बता दें कि फफूंदी की जो जड़ें होती हैं वो बेहद ही अंदर तक होती है, और हम सभी लोग सोचते हैं कि अगर इसका ऊपरी भाग हटा दिया जाए, सामने से फफूंदी जो दिखती है उसको हटा दिया जाए, तो ये पूरी चीज़ खाने लायक हो जाएगी। लेकिन हम सब लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो देखा दोस्तों, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी जाने अनजाने में फफूंदी का सेवन जरूर किया होगा। दोस्तों, अगर घर में खाना बच जाता है शाम का, तो उसको फफूंदी लगने से पहले किसी जानवर को आप दे भी सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी और जानकारी पाना चाहते हो ऐसे ही, तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आप सभी तक ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिल सकें।